हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचआर के एजुकेशन क्लासेस। और आज हम करेंगे असर्शन रीजंस क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। क्वेश्चन वन, असर्शन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0 हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए हमारे पास क्या होता है, ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू होता है। तो यहाँ हम ए वन अपॉन ए टू लिया हमने, तो ये हो गया 9/18, ये 9 हो गया हमारा ए वन, बी और ए टू हो गया हमारे पास 18, बी वन हो गया 3, बी टू हो गया 6, सी वन हो गया हमारे पास 12 एंड सी टू हो गया 24। तो ए वन अपॉन ए टू हो गया 9/18, बी वन अपॉन बी टू हो गया 3/6 एंड सी वन अपॉन सी टू हो गया हमारे पास 12/24। 12 1 12 12 2 24, 3 1 3, 3 2 6, 9 1 9 9 2 18। तो तीनों क्या आ गया हमारे पास, 1/2 = 1/2 = 1/2। तो वो कह रहा है कि इसके हमारे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, तीनों इक्वल आ गए हैं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल असर्शन हमारा करेक्ट है। रीज़न कह रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इजिकल टू जीरो एंड ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इजिकल टू जीरो हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन ए वन अपॉन ए टू इजिकल टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। तो यही फार्मूला हमने लगाया था इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए, हमारे पास ये फार्मूला है और ये बिल्कुल रीज़न सही है और ये असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इट मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर टू, असर्शन फॉर के इक्वल टू 6 द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एक्स प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस के वाई प्लस 6 इक्वल टू 0 इज इनकन्सिस्टेंट। तो इनकन्सिस्टेंट के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होती है, ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल बी वन अपॉन बी टू नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। तो ये हमारी कंडीशन होती है इनकन्सिस्टेंट के लिए। तो उसने कहा क्या के की वैल्यू क्या आएगी, 6 आएगी। तो इसके लिए जो है उसने इक्वल टू वाला लिया है, तो इसलिए हम ये वाले दो पेयर लेंगे। ये था अगर हमारे पास नॉट इक्वल टू लेता तो हम इन दोनों को कंपैरिजन करते, तो उसने इक्वल टू बोला है तो हम ए वन अपॉन ए टू को कंपैरिजन करेंगे। तो ए वन अपॉन ए टू हमारा इसमें हो गया 1/3 इक्वल टू बी वन क्या है हमारे पास 2 अपॉन और बी टू है हमारे पास के, तो ये हो गया हमारे पास 2/k। तो ये के क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया और ये क्या हो गया 3 2 6, तो आगे हमारे पास के 6 और हमारे पास असर्शन में दे रखा था के इक्वल टू 6, इसका मतलब असर्शन जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट दे रखा है। रीज़न है द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0 एंड ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0 इज इनकन्सिस्टेंट इफ ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। तो ये हमें गलत दे रखा है, तो यहाँ पे होना चाहिए था ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। तो इसका मतलब रीज़न जो है हमें गलत दे रखा है, इट मीन्स ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। इट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर थ्री, असर्शन द वैल्यू ऑफ क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 इफ़ एक्स इक्वल टू 3 वाई इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द लाइन 2x प्लस वाई माइनस क्यू स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। वो कह रहे हैं अगर x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1 डाले तो q की वैल्यू आ रही है प्लस माइनस 2। तो चेक कर लेते हैं, 2x प्लस वाई माइनस क्यू स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू उसने हमें दे रखी है 3, तो 2 × 3 हो गया हमारे पास 2 × 3 6 प्लस वाई हमें क्या गिवन है 1 माइनस क्यू स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। 6 प्लस 1 हो गया 7 7 माइनस 3 4 माइनस क्यू स्क्वायर उधर जाके हो जाएगा क्यू स्क्वायर। अब क्यू जो है इधर आके 4 का स्क्वायर रूट हो गया, तो क्यू की वैल्यू क्या आ गई, स्क्वायर रूट में से जब भी हम बाहर निकालते हैं तो दो वैल्यू आती हैं प्लस माइनस, तो प्लस ये तो हमारे पास 4 का स्क्वायर रूट हो गया प्लस माइनस 2। इट मीन्स असर्शन बिल्कुल सही दे रखा है, उसने भी क्यू की वैल्यू क्या दी थी हमें प्लस माइनस 2। तो इसका मतलब असर्शन जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट दे रखा है। रीज़न कह रहा है द सॉल्यूशन ऑफ द लाइन विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द लाइन। किसी भी हम इक्वेशन का जो भी सॉल्यूशन कर निकालते हैं तो वो एक जो है वो सेटिस्फाई करता है इक्वेशन ऑफ द लाइन को।
तो ये बिल्कुल रीज़न जो है हमें बिल्कुल सही दे रखा है, क्योंकि हमने जो सोल्यूशन निकाला था वो हमारे पास सिर्फ सेम आया था, और ये जो है जो हमारा सोल्यूशन आएगा वो हमारी जो लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब अजर्शन भी ठीक दे रखा है और रीज़न भी सही दे रखा है, तो इसका और रीज़न जो है हमारा अजर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इट मीन्स ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 अजर्शन है द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन के एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2 एंड सी एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 3 हैज़ ए यूनिक सोल्यूशन इज 3। यूनिक सोल्यूशन के लिए हमारे पास होता है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो a1 है हमारा इसमें 6 अपॉन a2 है हमारे पास k नॉट इक्वल टू b1 हो गया हमारे पास -2 अपॉन -1। तो ये हो गया k नॉट इक्वल टू 6 अपॉन 2 3, मतलब k की वैल्यू जो है k नॉट इक्वल टू 3, मतलब k की वैल्यू 3 के ना आने पर जो है वो यूनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। लेकिन उसमें हमें अजर्शन में क्या दे रखा है, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन इज 3, मतलब के की वैल्यू 3 आने पर जो है यूनिक सॉल्यूशन है, जबकि हमारा क्या आया था के नॉट इक्वल टू 3 आने पर जो है यूनिक सॉल्यूशन है। इसका मतलब अजर्शन हमारा गलत है, रॉन्ग है। रीजन में है द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन इफ़ a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 कंडीशन होती है, तो बिल्कुल सही दे रखा है। इसका मतलब रीज़न हमारा सही दे रखा है और अजर्शन फॉल्स है। तो अजर्शन इज़ फॉल्स एंड रीज़न इज़ ट्रू। इट मीन्स ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।